गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद क्लास सिक्स स्टूडेंट, दिस इज श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस एंड यू आर स्टडी कंप्यूटर सब्जेक्ट। योर चैप्टर नंबर इज चैप्टर नंबर 4 एंड टुडे टॉपिक इज टेबल स्टाइल्स। सो लेट्स स्टार्ट टेबल स्टाइल्स। वर्ड ऑफर सम प्री फॉर्मेटेड टेबल। वर्ड आपको क्या ऑफर करता है? कुछ बना बनाया हुआ टेबल्स स्टाइल ऑफर करता है। टेबल स्टाइल्स विच कैन बी अप्लाइज, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। विच कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द इंसर्टेड टेबल, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? जो भी हम इंसर्ट टेबल ओपन करते हैं उस पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टेबल स्टाइल को। दिस हेल्प्स एड बॉर्डर्स, या क्या सहायता करता है? दिस हेल्प एड बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू द टेबल। तो टेबल पर यह बॉर्डर और शेडिंग को पे ऐड करने के लिए आपकी सहायता करता है इन जस्ट वन क्लिक। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेबल टू बी फॉर्मेटेड। क्या करना है? उस टेबल को सेलेक्ट करना है जिसको आपको क्या करना है, फॉर्मेटेड करना है, जिसको आपको फॉर्मेट करना है, मतलब दैट मीन्स कि टेबल स्टाइल लगाना है। क्लिक ऑन टेबल टूल्स डिजाइन टैब, फिर हम कहाँ क्लिक करेंगे? टेबल टूल्स डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। सो ये दिस इज द टेबल टूल्स डिजाइन टैब एंड हियर इज द स्टाइल टेबल स्टाइल। फर्स्ट यू सेलेक्टेड, देन यू गो ऑन टेबल डिजाइन टैब एंड हियर इज लॉट्स ऑफ स्टाइल। इफ यू क्लिक हियर दिस बटन यू गेट मोर ऑप्शन। सो दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज मूविंग एंड रिसाइजिंग ए टेबल। मूविंग एंड रिसाइजिंग ए टेबल, तो मूविंग कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराते हैं और उसके साइज को कैसे हम चेंज करते हैं। तो मूविंग एंड रिसाइजिंग ए टेबल, तो मूव द टेबल कैसे हम मूव कराते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक इन ए सेल ए प्लस साइन। क्लिक इन ए सेल, सेल पे क्लिक करेंगे, एक प्लस साइन दिखाई देगा। ये प्लस साइन अपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, कहाँ दिखाई देगा? एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। दिस साइन इज नोन एज मूव हैंडल, इस साइन को हम क्या कहते हैं, मूव हैंडल कहते हैं। स्टेप नंबर 2, प्लेस द माउस पॉइंटर। फिर हम अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द मूव हैंडल, यू विल सी ए फोर हेडेड एरो। तो आप क्या देखेंगे, फोर हेडेड एरो देखते हैं लाइक दिस। आफ्टर दिस ड्रैग द टेबल टू वेयर यू वांट टू कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड। फिर हम इस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपको ले जाना है। तो वेयर यू वांट टू कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड। स्टेप नंबर 3, रिलीज द माउस बटन, और हम माउस बटन को छोड़ देंगे। योर टेबल इज मूव्ड टू द न्यू लोकेशन, तो आपका जो टेबल है वो नया लोकेशन पर आ चुका है। सो दिस इज द मूव हैंडल, यू प्रेस हियर एंड आफ्टर दैट जस्ट सेलेक्ट इट एंड ड्रैग इट। नेक्स्ट पॉइंट इज resizing handle. So this is the process to move a table, and after that we are going to resizing a handle. To resize a table, this is the resizing handle. Here is the move handle, and next point is to resize a table. Let's see. Click in a cell, the small square appear at the bottom right corner of the table. This small square is known as the resize handle. So this is the resize handle. Step number 2, place the mouse pointer on the resize handle. अपने mouse pointer को उस resize handle पे जाएंगे। You will see the double headed arrow. तो आप क्या देखेंगे, double headed arrow देखेंगे like this. On it drag the table boundary, और फिर हम drag the table boundary, उस boundary के ऊपर drag करेंगे to the desired size, जिस size का आप चाहते हैं। कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ते हुए, मतलब कि प्रेस किए हुए आप
उस बटन को दबाएंगे और जहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, जिस साइज पे आपको ले जाना है, बटन प्रेस्ड। स्टेप नंबर थ्री, रिलीज द माउस बटन, माउस बटन को छोड़ देंगे। रिलीज द माउस बटन वेयर यू गेट द डिजायर साइज, फिर आप क्या पा जाएंगे, उचित साइज जो आप चाहते हैं वो आपके सामने आ चुका है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर। तो टुडे यू अंडरस्टैंड टू रिसाइज ए टेबल, हाउ टू रिसाइज ए टेबल, दिस इज द प्रोसेस स्टेप्स। एंड बिफोर यू स्टडीज मूविंग एंड रिसाइजिंग ए टेबल, मूविंग एंड रिसाइजिंग ए टेबल, एंड दिस इज द प्रोसेस। फर्स्ट सेलेक्ट इट, देन डिजाइन टैब, एंड देन हियर इज अ लास्ट ऑफ ऑप्शन। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।